10-12 तारीख से पहले ही अपना अटेंडेंस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो, अदरवाइज उसके बाद पोर्टल लॉक हो जाता है। कॉपी कहाँ है? क्या क्लास करेगा तुम कॉलेज में जाके बताओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज है 3rd of January और मेरा हम लोगों का जो फर्स्ट टाइम क्लास लगने वाला इस साल में, और नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और हम लोगों का जो है लास्ट सेमेस्टर है। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, इनफैक्ट ऐसा कह सकता हूँ 7 या 8 डिग्री सेल्सियस है अभी। और यार, सुबह सुबह तो नींद नहीं खुल रही थी, खुलने के बाद अभी जा रहा हूँ, काफ़ी ठंड लग रहा है। इनफैक्ट इतना ठंड लग रहा है कि मेरा हाथ भी हिल रहा है, शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा कैमरे में। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारा लास्ट सेमेस्टर है तो इसमें जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हम लोगों को मिला है और उसमें दो क्लासेस, एक हफ्ते में दो क्लासेस लगेंगी। तो कल मंडे था, कल कोई क्लास नहीं था, आज ट्यूसडे है तो आज हमारी दो क्लासेस हैं। तो बस वही क्लास अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। बाद बाकी 20 मिनट लेट हॉस्टल से निकला हूँ और 10 मिनट ऑलमोस्ट जो है रूम पहुँचने में लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ठंड इतनी है कि हालत ख़राब है सभी बच्चों का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी क्लासेस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट की है और उसमें हम लोग जो है ऑलमोस्ट 25-30 मिनट लेट ही हैं। हम लोगों को इसमें ये बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि हमारा जो क्लास एडवाइज़र या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो सब्जेक्ट टीचर है, वो हमारे मतलब काफ़ी अच्छे हैं, अजीत शर्मा सर। उसमें अटेंडेंस का उतना झोल नहीं रहता, खास करके मेरे केस में तो मज़ा आ जाता है, क्लास जाओ ना जाओ थोड़ा सा काम बन जाता है, लेकिन फिर भी क्लास जाना तो बनता है। तो अभी क्लास में बहुत ही कम बच्चे आए हुए हैं। तो गाइज, अभी जो हमारा एक लेक्चर ओवर हो गया और दूसरा लेक्चर जो इसी क्लास में है, तो आगे का लेक्चर प्रोसीड किया जाएगा। तो सर ने हमें 5 या 10 मिनट का गैप दिया है। तो ये वही बंदा है जो मेरा सेकेंड सेमेस्टर से मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है और इनफैक्ट मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ इस बंदे से। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2nd to 8th, बचपन से लेके 55 तक कॉलेज में इसी के साथ बिताना पड़ गया, एक ही शक्ल देख देख के बोर हो गया हूँ। अरे तुम्हारी बात कर रहा हूँ, लाल स्वेटर। जब मैं अभी अमरेंद्र भाई साहब का वीडियो बना रहा था तो ये कह रहा है कि भाई किसी महिला मित्र को बुलाओ। देखो तुम लोग कहते हो ना, सब कहते हैं कंप्यूटर साइंस में काफ़ी सारी लड़कियां होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब छलावा है, दिखावा है, ऐसा इंटरनली कुछ नहीं होता। जैसा कि अब देख लो, मैंने पहले भी बताया है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे जो सर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो अभी एक ही लेक्चर के बाद हम लोगों को छोड़ दिया गया है और जैसा कि बोला था मैंने कि 5 मिनट में जो है सर दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये भाई साहब जो है 5 मिनट के लिए बाहर चले गए। तब तक मैं अटेंडेंस लग गया और मैंने देखा भी नहीं, मेरे पीछे बैठा हुआ था, तो इसकी अटेंडेंस छूट गई है। सर बोले अभी फर्स्ट डे से ही मॉडिफिकेशन फेयर नहीं है, तो किसी और दिन देख लेंगे, अदरवाइज़ करना तो पड़ेगा, है ना, रोना नहीं है, ठीक है, करवा देंगे। अभी ठंड इतनी है कि सुबह जगने के बाद जो है गले में थोड़ी सी वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, आवाज़ नहीं निकल रहा, वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी सबसे पहले हम चाय पियेंगे, एज इट इज़ जो हमारा रूल रेगुलेशन है ज़िंदगी में, बस कॉलेज में आके बस एक ही रूल को फॉलो किया हमने कि रोज़ कॉलेज आके एक कप चाय पीना, ठीक है। तो तभी जब मैं बता रहा था, अचानक से सर आ गए थे कि बोलते हैं कि बेटा बाद में वीडियो बना लेना। आप लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे बच्चे इसे देख के आते हैं या फिर सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में जो है बहुत सारी सुंदरियां होती है, लड़कियां होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से जो भी सेक्शन मेरा हुआ है, जो भी सेक्शन में मैं गया हूँ, उसमें हमेशा कंगाल ही पड़ा हुआ। 3 साल 6 महीने बीत चुके हैं, अब लास्ट के 6 मंथ बचा हुआ है हमारे पास। ज़िंदगी में आज तक कुछ नहीं हो पाया, अब बस यहाँ से डिग्री लेके ही जाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चाय पीते हैं, ठंड बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंड है। देखिए यहाँ के बच्चों की नौटंकी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, अभी सुबह के 9 बजे हैं ऑलमोस्ट, जो है 10 बजने वाले हैं, नहीं रुक जाओ, एग्जैक्ट टाइम क्या, हाँ तो 9:55 हो रहा है। तो यार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सभी कोई ठंडा में अपने हॉस्टल्स में रूम में है, जिसकी क्लासेस चल रही, क्लास ले रहा है, और कुछ महान प्राणी के व्यक्ति जो हैं जो फुटबॉल ग्राउंड में इधर केसी में, भाई उन लोग, तुम लोगों को ठंड नहीं लग रही है क्या?
इधर भी ठंडी लगी। मतलब जहाँ देखो भाई अपना कब्जा जमाए हुए है। अब आम आदमी करे तो करे क्या, हम लोग करे तो करे क्या। हम लोग अब कैंपस में कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मैं नहीं जा सकता क्योंकि बच्चे ऑफेंस हो जाते हैं मुझे देख के, ऑकवर्ड फील करते हैं। और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ क्योंकि अब एक थोड़ी सी हेजिटेशन बाउंडेशंस आ गई है यार। डिस्टेंस मेंटेन करना है कुछ बच्चों से ताकि उनके लाइफ में इंटरफेयर ना हो जाए, कहीं ना कहीं उन लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो मेरे बात से कोई हर्ट मत होना, बस मैं एक यूजुअली और कैजुअली मैं बता रहा हूँ कि और वैसे भी ठंड में जो है बच्चे कुछ ज़्यादा ही क्यूट हो जाते हैं। जैसे मुझे ही देख लो, मैंने दो दिन से स्नान नहीं किया है और सुबह सुबह उठ के कॉलेज आ गया हूँ। और ये हमारे गैंग का सबसे हैंडसम लौंडा है। इधर देखो चोमू। मैं और बोलना चाहूँगा, मैंने इतने सारे फ्रेंड सर्कल बनाए हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ भी बनाया है, जहाँ भी देखा है, बहुत सारे कर्मकांड भी किए हैं। लेकिन ये जो मनीष भाई है, मैं इसके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा। वैसे तो हमेशा मैं इसको उल्टा सीधा बात ही बोलता रहता हूँ, लेकिन बेस्ट थिंग क्या है इसके अंदर पता है, ये भाई साहब लॉयल बहुत ही ज़्यादा है, अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। और मैं इस चीज़ से मतलब काफ़ी इम्प्रेस हूँ इस बात से कि यार कम से कम ये बंदा समझ जाओ लॉयल है। ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर हो गया, कितना साल हो गया भाई? मतलब 6 to 7 ईयर हो गए हैं। और वो जो अदर दूसरी पार्टी है वो इससे सीनियर है, उसके बावजूद भी मतलब जिंदगी तो जिंगे लाला है। तो एट लास्ट मैं आ गया हूँ अपने रूम में और इतनी ठंडे बाहर क्या ही बताओ यार। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर वालों, तुम्हारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिली 1 जनवरी का। तो कोई बात नहीं, बाद बाकी दूसरे ईयर जो है सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर वालों, तो हमारा तो 20 दिन का छुट्टी था, किसी का 10, किसी का 5 या ऐसे ही छुट्टी चल रही थी। तो कोई बात नहीं, आज दुख दर्द है, कल अगले साल फिर तुम लोगों के भी मौज होंगे, तो उसके लिए टेंशन लेना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी चीज में ये बोलना चाहूंगा यार, मतलब क्या हो गया आप लोगों को, इतना टेस्ट खराब कैसे हो गया बच्चों का? क्या भाई सही बोल रहे हैं? वही तो क्या कुछ टेस्ट थोड़ा देख सुन के टेस्ट किया जाता है, ये नहीं कि कुछ भी लपक, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आए और चले गए। यार थोड़ा सा अपना क्वालिटी को इनहेंस करो। अब देख रहे हैं भाई, देख के हंसी आ रही है, मजा भी उतना ही आ रहा है देखने के बाद, अपने ऊपर आ रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे, बाद बाकी इट्स योर चॉइस। यार देखो एक चीज़ होती है ना कि आप अगर एक बार किसी से बाउंडेशन बन जाती है आपकी, तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं कि हर सेमेस्टर उसका बाउंडेशन यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहता है, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एक बाउंडेशन अगर आपकी सही से बन जाती है किसी परफेक्ट पीपल के साथ, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है, टेम्परेरी से ज़्यादा है कि परमानेंट कर लो। ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं कोई नहीं दिख रहा, कोई कुछ बोला, क्योंकि देखो एक अच्छा इंसान कभी भी खुद से पहल नहीं करेगा, मैं ये बता रहा हूँ। जो थोड़ा सा लो ग्रेड का बंदा होता है ना, जो अब ऐसा ऐसा समझ के चलते हैं कि जो मार्केट में जो सौदा नहीं बिक रहा होता वो हल्ला करेगा, वो भी आइए सर ले लीजिए, सर सर ये बढ़िया है, ये है, वो है, वो ऐसा करेगा। जो बढ़िया माल है वो शोरूम में, शोरूम वाला पीस जो होता है वो कभी हल्ला करके नहीं भेजा जाता, आपको खुद चल के टेस्ट करना होता है, फिर आप उस सेलेक्ट करते हैं, फिर लेते हैं। तो जो देर से मिलता है, जो महंगी मिलती है, वो क्वालिटी उसकी अच्छी होती है और वो आने वाले टाइम में कभी भी आपके जीवन के ऊपर या कभी आपको धोखा नहीं देगा। धोखा इन द सेंस, अगर आपने कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीदा है तो आप ये देखोगे कि वो जल्दी फटेगा नहीं। तो अभी यही रखते हैं, पता नहीं अभी ब्लॉग, अभी तो 10 ही बजा भाई, हमारा दिन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, बस ऐसा ही है। क्लासेस ख़त्म हो गई, हमारा दिन ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं करना, बस रूम में बैठ के पढ़ना है, पढ़ो, खेलना है, खेलो, मूवी वीडियो जो देखना है देखो, बस यही काम रह गया ज़िंदगी में, इसके अलावा और कोई काम नहीं है हम लोगों को। बाद बाकी एक मेरा दोस्त आ रहा है, उसके अंदर जो है एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो वो सारे चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बहुत कम ही प्रोवाइड होता है, नेट पे जाओगे तो बहुत सारे टाइम स्पेंड करने होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक ऑप्शनल चैनल जो स्टार्ट कर दिया है बीइंग टेक इंजीनियर के नाम से, जो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाएगा। और उस पर वीडियो बहुत से जल्द जो फर्स्ट वीडियो आने वाली है, तो आप लोग एक्साइटेड हो, अगर हो तो कमेंट में ज़रूर यस लिखना। आज जो है शशांक भाई का तबीयत 2 दिन से काफ़ी ख़राब है, तो उसका तबीयत का हम
इलाज करेंगे। राजेश भैया इसको एक दूध का थैली दीजिए, गले में खिस खिस ये लीजिए भिक्स की गोली। साहब ये क्लास जा रहा है, कॉपी कहाँ तुम्हारे रे हैं? कॉपी कहाँ है? क्या क्लास करेगा तुम कॉलेज में जाके बताओ। बताओ कहाँ कॉपी किताब? कॉपी किताब मेरा। छोटू भैया इसके गले में हो रहा है खिस खिस, दूध को उबाल के उसमें हल्दी डाल के और थोड़ा सा घी मिला के जल्दी से बना दीजिए, ताकि मम्मी लोग बोलती है कि सही उपचार है गले की खिस खिस का। यहाँ दूध, दूध का थैली है इसमें। हाँ गरम करना, गरम करके हल्दी मिला के, पहले आप सिर्फ गरम कर दीजिए, हल्दी उल्दी हम खुद मिला लेंगे, उसके बाद घी थोड़ा सा मिलाना है इसमें। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ठंड भरी सर्दी में जो है दोस्तों का थोड़ा सा मदद करना पड़ रहा है शशांक भाई के लिए, क्योंकि उनका तबीयत ख़राब है और इंट्रोवर्ट टाइप इंसान है, तो काफ़ी कम मित्र हैं इसके। तो लीजिए, कहाँ हैं महाराज? अरे ठीक है दनादन, मस्त पीस के मस्त हो जाइए। अरे पहले मिलाइए तो सही, आधा सर्दी दूर हो जाएगा इससे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि भाई तुम कुछ भी करते हो, छोटा सा हेल्प करते हो दिखाने लगते, यार ऐसा कोई बात नहीं है। आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो आज ऐसी कोई काम पड़ गई तो मैं वो आप लोगों को बता दिया, अदरवाइज इट्स माई नेचर। तो गाइस ये बाहुबली हमारे रूम में आए हैं, ये 2023 में फर्स्ट टाइम है ना। कैसा रहा 2023 ये बताओ? आने तो गया। अरे स्टार्ट हो गया आज, थर्ड ऑफ जनवरी है, पहली बार है ना तो आज तो कॉलेज में। अच्छा कॉलेज में पहली बार। और भाई साहब मैंने बताया था ना ये ऐसा लौंडा है भाई साहब, सेकेंड सेमेस्टर से और 8th सेमेस्टर तक मेरे साथ ही है, जैसा कि ये मिलियंस ऑफ पीपल के साथ होता है, मतलब यूनिवर्सिटी में GLA में ऐसा रेयर केस होता है, रेयर केस है हमारे डिपार्टमेंट में कि ऐसा चल रहा है कि मैं और ये साथ ही हूँ बचपन से बचपन तक। तो अभी मैं इसके लैपटॉप में एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालने वाला हूँ, क्यों डालना चाह रहा है ये बता मुझे पहले। पर्सनल काम के लिए। पर्सनल काम क्या है? कंपटीशन देने वाला है क्या मुझे? अरे भाई कंपटीशन कौन देगा। लूँगा आप लोगों को भी टेक्निकल जितने भी नॉलेज जानकारी चाहिए होगी या किसी भी चीज़ में, लैपटॉप वगैरह, जैसे कि ये भाई साहब लैपटॉप खरीद लिए, इतना वाहियात लैपटॉप खरीदा है, पैसे बर्बाद है पानी में, जब मैं अभी बोल रहा हूँ ये बोलता तभी मिला ही नहीं था, फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे ने खरीद लिया और पता चला। और ऐसा इनका ही नहीं है, 40-50% बच्चे जो है गलत लैपटॉप परचेज कर लेते तो और बाद में पछताना पड़ता है, 4 साल से पछता रहा, अभी बटन दबाएगा तो 3 साल के बाद जाके खुलता है, और मुझे बहुत गुस्सा आती है क्योंकि पैसे तो उतने ही लगे हैं, बस परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। तो एक बार जरूर सजेशन ले लेना लैपटॉप लेने से पहले, अगर आपके पास जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी से जरूर एक बार हिंट्स या पूछताछ कर लेना, जिसके पास अच्छी नॉलेज हो लैपटॉप की तो वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो गाइस अभी शाम का जो है 5:15 हो गया है और मैं कॉलेज जाके फिर से वापस आ गया हूँ, क्योंकि 2:30 मैं कॉलेज गया हुआ था। वो किस लिए गया था ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो वो जब मैं खाना खा के अपने हॉस्टल में आया तो एक बालिका का, मतलब एक लड़की का मैसेज आता है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो वो बोलती है भैया मुझे बहुत ही अर्जेंट आपसे मिलना है, इंपॉर्टेंट। मुझे मैंने बोला कि ठीक है बोलो, यहाँ बोलता है यहाँ बोल के नहीं मिल के बताना है, तो मुझे लगा हो सकता कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हो, क्योंकि होता है यार कि फ़ोन पे बताने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो मुझे रजाई से निकल के वहाँ जाना पड़ा कॉलेज। तो कॉलेज जब गया तो पता चला कि उसकी अटेंडेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, वो यूँ क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं एंड टर्म, और उसकी अटेंडेंस बहुत ही कम था, ओवरऑल ऐसा समझ लो कि 40-5% ओवरऑल था। तो फिर मैंने उससे बात करी और जहाँ तक हो सका मैंने उसका तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दिया। तो अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सिचुएशन है तो मैं अभी बता देता हूँ, 10-12 तारीख से पहले ही अपना अटेंडेंस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो, अदरवाइज उसके बाद पोर्टल लॉक हो जाता है, और पोर्टल लॉक होने के बाद कोई तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, जब डिटेल लिस्ट आ जाएगी तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अभी पोर्टल लॉक होने से पहले अपना अटेंडेंस देख लो, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, मेडिकल लगानी है मेडिकल लगाओ, जो लगाना है सो लगाओ, ठीक है। लेकिन ये 10 तारीख से पहले कर लो, 10-12 से पहले कर लो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो
वैसे भी जैसा कि आपने पूरा दिन का मेरा व्लॉग देखा, 8 बज के कुछ मिनट पे मैं जगा था और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपने देख ही लिया होगा मैंने सारे चीज़ उसमें कवर किए हैं। तो ऐसा ही ज़िंदगी है हमारी और हॉस्टल वालों की ऐसी ही लाइफ होती है। तो ऐसा आप लोग बोलते हैं कि भैया डेली व्लॉग बनाओ, क्या ही बनाओ, यही तो हमारा रूटीन है, यही सेम शेड्यूल मैं हर रोज़ फॉलो करता हूँ, क्योंकि बाहर कहाँ ही जाओ यार, घूमने फिरने कहीं जाए, कभी कभी जाता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता डेली व्लॉग। तो आज यही रखते हैं, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।